पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एक तरफ नॉर्मलसी के बयान को पेश करने के लिए यहां लचकदार सहाफियों को बाहर से लाया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ मुकामी सहाफियों को हक बोलने की पादाश में सजा दी जा रही। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर में मीडिया को मुसलसल सताए जाने के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना किया है। मौसुफा ने इन बातों की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए फराहम की है। उनका ट्वीट में कहना था कि मैंने जम्मू कश्मीर में मीडिया को मुसलसल सताए जाने के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना किया। एक तरफ लचकदार सहाफियों को यहाँ लाकर उनसे नॉर्मलसी के बयान को पेश किया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ मुकामी सहाफियों जो इंतहाई दबाव में काम करते हैं उनको इख्तदार के सामने सच बोलने की पादाश में सजा दी जा रही। खबर अजी पीडीपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया ऑफ एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें कश्मीर में सहाफियों के मुनजिम ईजा रिसानी के मामले को उठाया गया। ट्विटर हैंडल पर अंग्रेजी जबान में तहरीर मरकोजा मकतूब के मतन को भी अपलोड किया गया है।